हमारे SHO ओड इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने जो है रात में नाकाबंदी की हुई थी, उस दौरान जो है एक शकी व्हीकल जो एल्टो कार है वो उनके नाके के आसपास जब आई तो उन्होंने उसको इशारा करके रुकने का इशारा किया, बट वो गाड़ी रुकी नहीं, उन्होंने तेज़ रफ्तार से गाड़ी को दौड़ाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने उसको काबू करके गाड़ी में जब सर्च किया, DSP साहब को मौके पर बुलाया और उनकी सर्च में जो है दो जो गाड़ी में सवार थे उनके पास से 1 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई है, साथ ही साथ उनके पास 4,09,600 रुपये जो है ड्रग मनी भी रिकवर हुआ है। ये जो दोषी इसमें से अरेस्ट ही गए थे मौके पर, उनका नाम रणजीत सिंह उर्फ हैप्पी और दूसरे का नाम हरप्रीत सिंह उर्फ काका है। रणजीत सिंह जो है ये पीछे से गढ़शंकर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से जो है थाना ओड़ में ही रह रहे हैं ये, और हरप्रीत सिंह जो हैं ये ओड़ के ही निवासी हैं। हरप्रीत सिंह के ऊपर पीछे से मतलब पहले भी इनके ऊपर 3 NDPS के मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं, जो पोजेवाल में और गढ़शंकर में और जलंधर रूरल डिस्ट्रिक्ट में इनके ऊपर FIR हैं। हरप्रीत के ऊपर अभी तक कोई FIR नहीं है, हमने दोनों अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे रिकवरीज थी उनको हमने कब्जे में ले लिया है और इनकी गाड़ी को भी हमने सीज कर लिया है। आज अब इनको जो है कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लेंगे और आगे जैसे जैसे इनकी पूछताछ में बातें आएंगी उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। एज जो है लगभग 26-27 साल एज है दोनों की। इंटरनेशनल वैल्यू तो 5 से 5.5 करोड़ के बीच में है, बट जो ड्रग मनी है वो 4 लाख समथिंग है, 4,09,600 रुपए। तो कुल मिला के ये कभी 9 लाख के बाद हो जाएगी? ये लगभग जो है इन्होंने 15 लाख रुपए का शायद माल खरीद के लाया था। दिल्ली में कोई अफ्रीकन नागरिक है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कौन है और उस मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। इसको देनी थी इसके बारे में? ये देखिए ये लाते थे और उसके बाद छोटे छोटे उनके बना करके पैकेट से आगे सप्लाई करते थे। वो अभी आज हम इनको पेश करके और जब इनको पुलिस रिमांड पे लेके आएंगे उससे जब इन्वेस्टिगेशन में और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि इन्होंने आगे किसको किस किस को सप्लाई करी। ये नहीं, ये यहाँ पे भी करते थे, होशियारपुर और आसपास के सारे एरिया में जो है ये सप्लाई करते थे। कौन सी NDPS एक्ट की धारा? हाँ जी, NDPS एक्ट की धाराएँ लगी हैं इनके ऊपर जी।